हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और आज हम पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा माइनिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग ये क्रूशल कंपोनेंट होते हैं मॉडर्न डेटा मैनेजमेंट के लिए और एनालिसिस स्ट्रेटेजीज के लिए। ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कंसोलिडेट कर सके डेटा को, एक्सट्रैक्ट कर सके वैल्यूएबल इंसाइट को और ताकि डिसीजन मेकिंग आसानी से हो सके। अब हम करेक्टरिस्टिक यूजेस और टेक्निक्स देखेंगे जिन जो कि बिजनेस जिनका रोल होता है बिजनेस इंटेलिजेंस में। तो डेटा वेयर हाउस इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है इंटीग्रेटेड। तो एक डेटा वेयर हाउस जो है ये इंटीग्रेटेड होता है डेटा से मल्टीपल सोर्सेज से एक कोहेरेंट स्टोर में और इसे कंसोलिडेट किया जाता है डेटा को वेरियस ऑपरेशनल डेटाबेसेस के थ्रू, एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज के थ्रू और भी सोर्सेज जो होते हैं उनके थ्रू। पर्पस देख लेते हैं। तो ये हमें एक यूनिफाइड व्यू प्रोवाइड करता है डेटा का जो कि सपोर्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और रिपोर्टिंग को। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो डेटा वेयर हाउस जो होते हैं ये डिजाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया के अराउंड, और जैसे कि सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया और कस्टमर इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आता है पर्पस। तो ये फैसिलिटेट करता है डेटा एनालिसिस को ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन को बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग, ना कि इंडिविजुअल की एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है टाइम वेरिएंट। तो इसमें डेटा जो है एक वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है जिसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है और ये कैप्चर करता है स्नैपशॉट को, कैप्चर करता है डेटा के स्नैपशॉट को ओवर टाइम। नेक्स्ट आता है कि इसका पर्पस। तो ये सपोर्ट करता है ट्रेंड एनालिसिस को और हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग को और ये मेंटेन करता है हिस्टोरिकल डेटा। नेक्स्ट आता है नॉन वॉलेटाइल। तो इसमें जो डेटा होता है वेयर हाउस के अंदर ये मॉडिफाइड नहीं होता है जब इसे एंटर किया जाता है, मगर ये स्टेबल रहता है एनालिसिस के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। नेक्स्ट आता है कि ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी रिपोर्टिंग और एनालिसिस में बिना कोई इम्पैक्ट डाले ऑपरेशनल सिस्टम का। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड। इसमें डेटा वेयर हाउस जो होते हैं ये सेंट्रलाइज्ड डेटा होते हैं जो कि वेरियस सोर्सेज से आते हैं एक सिंगल रिपोजिटरी में। इसका पर्पज है कि ये एनहेंस करता है डेटा एक्सेसिबिलिटी को और कंसिस्टेंसी को और ये अलाउ करता है मोर एफिशिएंट एनालिसिस को और रिपोर्टिंग को। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्वेरिंग एंड रिपोर्टिंग। तो डेटा वेयर हाउस जो होते हैं ये ऑप्टिमाइज करे जाते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए और लार्ज स्केल रिपोर्टिंग के लिए। ये सपोर्ट करता है परफॉर्मेंस इंटेंसिव ऑपरेशन को जैसे कि डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग और डेटा माइनिंग। अब यूज देख लेते हैं डेटा वेयर हाउस का। तो पहला यूज है डिसीजन सपोर्ट। ये प्रोवाइड करता है हमें कंसोलिडेटेड व्यू डेटा का जो कि सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को। इसका एग्जाम्पल है कि जब हम एनालाइज करते हैं सेल्स परफॉर्मेंस डिफरेंट रीजन्स के अंदर और हम इन्फॉर्म करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो ये फैसिलिटेट करता है हमें एक डिटेल रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस को। इसका एग्जाम्पल है जनरेटिंग मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट या फिर सेल समरीज। नेक्स्ट आता है बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ये इंटीग्रेट करता है बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल को और हमें प्रोवाइड करता है इनसाइट बिजनेस के ऑपरेशन के बारे में। हम बिजनेस के टूल्स को यूज करते हैं और ताकि हम एनालाइज कर सके कस्टमर बिहेवियर को और प्रेफरेंसेस को। नेक्स्ट आता है ट्रेंड एनालिसिस। तो हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड को और पैटर्न को ओवर टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें हम चेंजेस को ट्रैक करते हैं, कस्टमर की परचेजिंग के पैटर्न को ट्रैक करते हैं सेवरल ईयर्स में। नेक्स्ट आता है डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग हमें प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशन डेटा माइनिंग एक्टिविटीज के लिए जो कि जिससे कि हम क्लीन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करते हैं।
इसका एग्जांपल है माइनिंग डेटा टू डिस्कवर कस्टमर सेगमेंट एंड बाइंग बिहेवियर्स। अब डेटा माइनिंग देख लेते हैं, तो टेक्निक ऑफ डेटा माइनिंग आती है सबसे पहले, तो सबसे पहली टेक्निक है क्लासिफिकेशन। इसमें हम असाइन करते हैं आइटम्स को एक प्री डिफाइंड कैटेगरी और क्लास में, जैसे कि डिसीजन ट्री हो गया टेक्निक इसका, जो और सपोर्ट करता है वेक्टर मशीन को और न्यूट्रल नेटवर्क को। एग्जाम्पल है इसका, जब हम कैटेगराइज करते हैं ईमेल को स्पैम या नॉट स्पैम में। नेक्स्ट आता है क्लस्टरिंग, तो इसमें ग्रुप होते हैं सिमिलर आइटम के एक साथ, जो और उनकी करेक्टरिस्टिक एक जैसी होती हैं। इसमें टेक्निक होती है के मीन क्लस्टरिंग, और इसमें हायरार्किकल क्लस्टरिंग करी जाती है। इसका एग्जाम्पल है जब हम सेगमेंट करते हैं कस्टमर को ग्रुप के अंदर, जो कि उनके परचेजिंग बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन रूल लर्निंग, इसमें आइडेंटिफाई कराया जाता है रिलेशनशिप और एसोसिएशन को वेरिएबल्स के बीच में लार्ज डेटा सेट के अंदर। इसकी टेक्निक आती है एप्रियोरी एल्गोरिदम और FW ग्रोथ एल्गोरिदम। इसका एग्जाम्पल है जब हम मार्केट बास्केट एनालिसिस करते हैं के आइटम्स कितने फ्रीक्वेंटली बॉट किए गए हैं टुगेदर, दो आइटम कितनी फ्रीक्वेंटली खरीदे गए हैं एक साथ। अब आता है रिग्रेशन एनालिसिस, तो ये प्रिडिक्ट करता है एक कंटिन्यूअस वैल्यू को, जो कि बेस्ड होती है रिलेशनशिप के ऊपर वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट आता है लीनियर रिग्रेशन टेक्निक, होती है लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन। इसका एग्जाम्पल है जब हम फोरकास्ट करते हैं सेल को, जो कि बेस होता है हिस्टोरिकल डेटा पे और मार्केट कंडीशंस पे। अब आता है एनोमली डिटेक्शन, तो इसमें आता है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं अनयूजुअल पैटर्न या फिर आउटलायर्स डेटा के अंदर। इसकी टेक्निक है स्टेटिस्टिकल मेथड और आइसोलेशन फॉरेस्ट। इसका एग्जाम्पल है कि जब हम डिटेक्ट करते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल डेटा के अंदर। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट माइनिंग, इसमें हम एनालाइज करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को टेक्स्टुअल डेटा में से। इसकी टेक्निक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP और सेंटिमेंट एनालिसिस। इसका एग्जाम्पल है कि जब हम एनालाइज करते हैं कस्टमर के रिव्यू को, कि वो अपने सेंटिमेंट को बताएं और फीडबैक हमें दें। नेक्स्ट आता है यूज क्या क्या होते हैं डेटा माइनिंग के, तो सबसे पहला है कस्टमर सेगमेंटेशन। ये आइडेंटिफाई करता है डिस्टिंक्ट ग्रुप को, जो कि एक कस्टमर डेटा के अंदर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जब हम टारगेट करते हैं मार्केटिंग कैंपेन को, जो कि कस्टमर सेगमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉड डिटेक्शन, तो ये डिटेक्ट करता है अनयूजुअल पैटर्न को, जो इंडिकेट करते हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को। इसका एग्जाम्पल है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन बैंकिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, तो ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर के ट्रेंड को और बिहेवियर को। इसका एग्जाम्पल है जब हम फोरकास्ट करते हैं प्रोडक्ट की क्या डिमांड रहेगी। नेक्स्ट आता है मार्केट बास्केट एनालिसिस, तो इसमें हम एनालाइज करते हैं परचेज पैटर्न को और इन्फॉर्म करते हैं हम प्रोडक्ट प्लेसमेंट और प्रमोशंस को। इसका एग्जाम्पल है जब हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट साथ में रखा जाना चाहिए एक स्टोर के अंदर। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट, तो इसमें हम असेस करते हैं और मैनेज करते हैं पोटेंशियल रिस्क को, जो कि डेटा एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है। इसका एग्जांपल है कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं हाई रिस्क कस्टमर को और ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट आता है बिजनेस इंटेलिजेंस, तो बिजनेस इंटेलिजेंस का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस रेफर करता है टेक्नोलॉजी टूल को और प्रैक्टिसेस को, जिनसे कि हम कलेक्ट करते हैं एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं बिजनेस के डेटा को और सपोर्ट करते हैं हम डिसीजन मेकिंग को। इसके की कंपोनेंट देख लेते हैं BI के, तो पहला है डेटा वेयर हाउसिंग। इसमें रोल आता है सबसे पहले, तो ये सेंट्रलाइज होता है और ये इंटीग्रेट करता है डेटा को वेरियस सोर्सेज से, ताकि सपोर्ट कर सकें BI एक्टिविटीज को। नेक्स्ट आता है डेटा वेयर हाउस, इसका एग्जाम्पल है डेटा वेयर हाउस सर्व, जो डेटा वेयर हाउस होते हैं वो एक फाउंडेशन की तरह होते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग और एनालिसिस में। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग, तो इसमें जनरेट किया जाता है स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट को और डैशबोर्ड को डेटा विजुअलाइजेशन के लिए।
इसका एग्जांपल है जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं जो कि डिस्प्ले करता है केपीआई को। नेक्स्ट आता है डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को, इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को विजुअली चार्ट्स के थ्रू और ग्राफ्स के थ्रू और डैशबोर्ड के थ्रू। इसका एग्जांपल है इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन, हम इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन कर बनाते हैं ताकि हम सेल्स को एक्सप्लोर कर सकें, सेल्स डेटा को एक्सप्लोर कर सकें और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस, तो इसमें एनालाइज किया जाता है डेटा को ताकि हम इनसाइट उसमें से डिराइव कर सकें, और ये सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन को। इसका एग्जांपल आता है कि जब एनालाइज किया जाता है कस्टमर डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके परचेजिंग पैटर्न क्या क्या है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो इसमें मॉनिटर किया जाता है और मेजर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को गोल्स और केपीआई के अगेंस्ट में। इसका एग्जांपल है ट्रैकिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग करी जाती है और ऑपरेशनल मैट्रिक्स की ट्रैकिंग करी जाती है। अब बेनिफिट देख लेते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के, तो ये इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग, ये हमें प्रोवाइड करता है एक एक्यूरेट टाइमली और रेलिवेंट डेटा ताकि हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। इसका एग्जांपल है कि हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सेल रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है एनहेंस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो ये आइडेंटिफाई करता है एरिया को जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और ये ऑप्टिमाइज करता है प्रोसेसेस को। इसका एग्जांपल है कि स्ट्रीमलाइन करते हैं जब सप्लाई चेन ऑपरेशन को जो कि परफॉर्मेंस डेटा के ऊपर बेस होता है। नेक्स्ट आता है कम्पेटिटिव एडवांटेज, तो ये हमें ऑफर करता है इनसाइट जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कंपटीशन में आगे बनी रहे। इसका एग्जांपल है कि हम एनालाइज करते हैं मार्केट के ट्रेंड को जब न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च होता है अपने कंपेटिटर से पहले। नेक्स्ट आता है इसमें इंक्रीज डेटा एक्सेसिबिलिटी, तो ये प्रोवाइड करता है यूजर्स को कि वो इजीली एक्सेस कर सकें क्रिटिकल डेटा को और इनसाइट को। इसका एग्जांपल है यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड जो कि अलाउ करता है एग्जीक्यूटिव को कि वो मॉनिटर कर सके बिजनेस परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो इसमें सपोर्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को और गोल सेटिंग को एक डेटा ड्रिवेन इनसाइट के साथ। इसका एग्जांपल है कि हम डेवलप करते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी जो कि बेस होता है मार्केट एनालिसिस के ऊपर। अब समरी देख लेते हैं, तो डेटा वेयर हाउस देखा था, एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होती है जो कि इंटीग्रेट करती है और स्टोर करती है डेटा को मल्टीपल सोर्सेस से, ऑप्टिमाइज करती है क्वेरी के लिए और रिपोर्टिंग के लिए, सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग और रिपोर्टिंग, ट्रेंड एनालिसिस और डेटा माइनिंग की एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट आता है डेटा माइनिंग, तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम डिस्कवर करते हैं पैटर्न को, इनसाइट को लार्ज डेटा सेट में से, और हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को जैसे कि क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल, लर्निंग, रिग्रेशन एनालिसिस, एनोमली डिटेक्शन, टेक्स्ट माइनिंग। ये यूज किया जाता है कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए। नेक्स्ट हमने देखा बिजनेस इंटेलिजेंस, ये इसमें टेक्नोलॉजीज आती हैं और टूल्स आते हैं, प्रैक्टिसेस आती है जिनसे हम एनालाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं बिजनेस डेटा को, और बीआई एनहेंस करता है डिसीजन मेकिंग को, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, कंपेटिटिव एडवांटेज को, डेटा एक्सेसिबिलिटी को और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को थ्रू रिपोर्टिंग, डेटा विजुअलाइजेशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो टुगेदर हम ये सब डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग और बीआई जो है ये क्रूशल रोल प्ले करते हैं ट्रांसफॉर्म करने में रॉ डेटा को एक्शनेबल इनसाइट में, और इसके थ्रू हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। धन्यवाद।